हम कहते हैं स्टीरियोटाइप है कि मर्द को दर्द नहीं होता कभी, ऐसे हम कहते बचपन सुनते आए हैं कि अगर कोई रोता है, लड़का कोई रोता है तो कह देते हैं लड़की है क्या। तो इस स्टीरियोटाइप को मैं निकालने की थोड़ी कोशिश करूंगा अपनी पोएट्री के जरिए। तो शुरू करते हैं। इस दुनिया में रोते ही आया था, मेरी दास्ता करूंगा आपसे शेयर, बट माँ थी आंसू पोछने ऑलवेज फॉर माय केयर। फिर जैसे जैसे बड़ा होता गया, माँ की आंखों का तारा वॉल्यूम उतना ही रोने का छोटा होता गया बेचारा। बचपन में हवा चली थी कानों में कि मर्द को दर्द नहीं होता, कई परेशानियों में इसी गलत फहमी को लेकर हम चुप चुप कर आंसू पोंछा करते थे। हाँ, हम भी रोए करते थे। तो मैं बता भूल गया जल्दी में कि मैंने इस पोएट्री को चार चार पार्ट में डिवाइड किया है, जैसे कि बचपन और टीनेजर्स, अडल्टहुड और फिर बुढ़ापा। सो अभी मैंने बचपन का तो कह दिया और अभी मैं टीनेजर, जब हम स्कूल से कॉलेज में जाते हैं सो मैं उसका भी उसके बारे में कहने वाला हूँ कि स्कूल के प्लेग्राउंड से कॉलेज के क्लब्स में जब कदम रखा था हमने, दिख रहा था कुछ मज़ेदार, पर नफरत और मतलब की दुनिया में कदम रखा था हमने। फिर पढ़ाई और हर लड़की की लड़ाई से आंसू जब पोछा कर देते और जब कोई हमसे इसकी वजह पूछता तब हमें उस वजह कचरा बता देते थे। हाँ, हम भी रोया करते थे। और इन सब दौरान जब हम पढ़ाई और लड़के और बाकी सब एडिक्शन में भूल जाते हैं, तब हम अपना जो मकसद है असल मकसद भूल जाते हैं कि हम जो है पढ़ाई करनी है, जो बाबा का नाम रोशन करना है। सो और इन सब दौरान JEE या CPT क्रैक न हो जाए तो माँ बाप की दुख भरी मुस्कान देख कर हम नम भी रोया करते थे। हाँ, हम भी रोया करते थे। तो अभी कॉलेज खत्म हो गया, सो अभी जब हम जॉब के लिए जाते हैं तो उसका मैंने थोड़ा लिखा हुआ है, पॉइंट दर्ज करने की कोशिश किया मैंने। कॉलेज खत्म होते ही रोजी की तलाश में हम अपने वतन से दूर जाया करते थे, टाई के पंदे बांधकर अपनी जिम्मेदारियों को उसे उठाया करते थे। बच्चों की सिफारिश, बीवी के मांग और बॉस के ताने सुना करते थे। हाँ, हम भी रोया करते थे। जैसे मैंने कहा कि मैंने चार पहलू में इस स्टोरी को बांटा है, लेकिन ये जो मेरा पहलू है, ये जो मैं जिस बारे में बताने वाला हूँ वो इन चार से सबसे अलग है और मैंने कुछ अलग लाइन टच करने की कोशिश किया मैंने कि रोते सिर्फ लड़कियां नहीं, रोना हर वर्ग इंसान को आता है, हर उस वीर जवान को आता है, हर उस किसान को आता है। ये मेरी फेवरेट लाइन है, आगे सुनिए। वो किसान बारिश की बूंदे न गिरे तो अपने आंसुओं और से बीज बोया करते थे। वो किसान अगर बूंदे न गिरे तो अपने आंसुओं से बीज बोया करते थे, और अगर फसल न उगे तो कभी खुदकुशी, अगर फसल न उगे तो कभी खुदकुशी या कभी खुद को संभाला करते थे। हाँ, हम भी रोए करते थे। इस पोएट्री को एंड करने वाला हूँ। तो जैसे हम अभी जब बंदा, जब कोई जवान बूढ़ा हो जाता है तो वो भी रोता है। हाँ, सो सुनिएगा। रोना कल बचपन में भी आता था, रोना कल बचपन में भी आता था, रोना आज पचपन में भी आता है। हाँ, पर फर्क इतना है, रोने और चीखने चिल्लाने के बजाय खांसी और लाचारी से बयां हो जाता है। और इस लाचारी की वजह से बहू और बच्चों के ताने सुना करते थे। हाँ, हम भी रोया करते।